wish my all my event managers, friends across the globe a very, very great and a very successful event managers day today. It's a very important day for all of us, especially the hotelier across the globe, because we feel that you are an extension of our sales team. Namaskar, Jaipur City Live Dialogues ki taraf se main aap sabhi ka swagat karta hoon. Aaj hum hai Mr. Islam Choudhary ke saath. Sales head karte hain Jaimahal Palace mein aap. Aapka bahut bahut swagat Mr. Choudhary. Shukriya. Thank you. थर्टी फर्स्ट में इवेंट मैनेजर्स डे हम मनाने जा रहे हैं. उसी श्रृंखला में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे मिस्टर चौधरी के साथ कि कैसे हम इवेंट मैनेजर्स, होटेलियर्स और हमारे दूसरे साथी जो हमारे साथ इस काम के अंदर, हमारे इस बिज़नेस के अंदर हमारा साथ देते हैं, हमारे इस इवेंट इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ा फील्ड है उसके अंदर हम लोग का साथ दे रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर और आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं. सबसे तो मोहित जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट तो अब बहुत बड़ा फील्ड हो गया है. अगर आज से 10 साल पहले आप इवेंट मैनेजर्स देखते हैं, और अगर मुझे करीब करीब 20 साल हो गए हैं ताज ग्रुप के साथ, तो इवेंट मैनेजमेंट तो पूरी तरह चेंज हो गया है. आई थिंक नाउ द टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ बिग गेम. अब अगर आप इवेंट मैनेजर्स देखते हैं तो अब एक ऑलराउंडर इवेंट मैनेजर चाहिए आज हर एक, मे बी कॉर्पोरेट हो, सोशल फंक्शन हो या शादी हो. पहले के इवेंट मैनेजर एक बहुत बेसिक, इट वाज लिमिटेड टू अ टेंट सेटअप, कि एक टेंट लगा, एक आपने बेसिक डेकोरेशन का काम कर लिया. पर अगर आज के आप इवेंट मैनेजर देखते हो तो इट इज़ अ वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड अ वेरी हाईली डाइवर्सिफाइड फील्ड. इसके अंदर आप देखेंगे तो एक तरीके से ऑलराउंडर अप्रोच चाहिए इवेंट मैनेजर्स के लिए. आज के जो करंट इवेंट मैनेजर, जैसे मैंने देखा है जयमहल पैलेस में जो पहले हम इवेंट करते थे, और पिछले 2-3 साल में बड़ा चेंज आ गया है. आज के इवेंट मैनेजर्स को एक तरीके से राइट फ्रॉम शुरुआत से लेकर आखिरी तक, जैसे कहते हैं हम एक सॉल्ट टू स्टील जिस तरह कहते हैं, हर चीज़ करनी होती है अपने क्लाइंट्स के लिए, जो कि शायद पहले इवेंट मैनेजर्स के लिए नहीं था. और इससे एक अच्छी चीज़ ये है कि एज होटेलियर्स हमारे लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, क्योंकि नए नए रेवेन्यू के एवेन्यूज़ मिलते हैं हम लोगों को भी. तो जैसे केटरिंग हो गया, जो कि पहले इवेंट मैनेजर्स नहीं करते थे इतना इन्वॉल्व, पर आजकल केटरिंग भी एक इंटीग्रल पार्ट है शादी का या किसी भी इवेंट का हिस्सा होता है. तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हो गया कि इवेंट मैनेजमेंट बहुत, there is still scope to improve, but I'll say it is definitely at a different level than what it used to be 5 years before. बिल्कुल ठीक है. और मैं ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी जानना चाहूँगा कि जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक इवेंट को सक्सेस करने के लिए ज़रूरी रहती हैं, तो वहाँ होटल और बाकी हम लोग और हमारे वेंडर्स किस तरीके से उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में कोरिलेशन बन सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएँ प्लीज़. जी, मेरे ख्याल से जयपुर में जयमहल पैलेस सबसे फ्लेक्सिबल होटल माना जाता है जब इवेंट मैनेजर्स की बात करते हैं. और इसका एक सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी इवेंट मैनेजर्स को, कि सबसे अच्छी बात है अगर जिस तरह आप अपने घर को समझते हैं, अगर आप होटल को अपना घर समझें, सो आई थिंक जो भी थोड़ी बहुत हमारी माइन्यूट प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब अच्छी तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं. मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप जिस तरह अपने घर में काम करते हैं उसी तरह आप अगर होटल को भी अपना घर समझ के काम करेंगे, सो आई थिंक देर इज़ नो इशू एट ऑल. आई थिंक और हर चीज़ का समाधान होता है. आजकल हम लोग डिटेलिंग जितनी पहले कर लें क्लाइंट के साथ, होटल वाले के साथ, तो इससे काम आसान हो जाता है. सो मेरी रिक्वेस्ट और ये भी रहेगी इवेंट मैनेजर से, जितने मेरे दोस्त हैं यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट से, कि वो लोग अगर जितनी डिटेल्स उनके पास होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस में डिटेल्स आती हैं, पर अगर वो डिटेल्स आखिरी मिनट तक वेट करने की बजाय अगर वो होटल्स वालों के साथ, ये जो आपके दूसरे वेंडर्स हैं उनके साथ अगर आप स्टेप टू स्टेप शेयर करते रहेंगे तो शायद और भी काम बेहतर हो जाएगा और प्लानिंग विल बी मच मोर ईजियर. सो आई थिंक इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ प्लानिंग. द बेटर वी प्लान, आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन सक्सीड बेटर. आई विश ऑल माई इवेंट मैनेजर्स फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्लोब अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ ग्रेट इवेंट मैनेजर्स डे, एंड विश यू ऑल द सक्सेस इन द कमिंग ईयर. एंड आई जस्ट लाइक टू मेक अ कॉमेंट हेयर दैट एज होटेलियर्स वी ऑल फील दैट इवेंट मैनेजर्स आर एक्सटेंशन ऑफ आर सेल्स टीम. And as a director of sales and marketing for one of the renowned palaces, Jaimahal Palace in the country,
आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड द बेस्ट ऑफ फॉर्च्यून. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.